उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर जिले में भी पहली बार गुरुवार को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। गुरुवार शाम 5 बजे भगवान जगन्नाथ के साथ भ्राता बलराम बहन सुभद्रा जी की रथ यात्रा नगर के नए श्री राम मंदिर से प्रारंभ हुई, जो हनुमान चौक से विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए काली पुतली चौक से सीधे हनुमान मंदिर पहुंची, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी का पूजन महाआरती कर भगवान को 56 भोग लगाया गया। साथ ही उनकी कथा का वाचन कर भक्तों को महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। इस यात्रा के दौरान भक्तगण भगवान के रथ को अपने हाथों से खींचते हुए भी नजर आए, तो वहीं पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। गुरुवार को नए राम मंदिर से एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जहां रथ के दोनों ओर लगे रस्से को हाथ में लेकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को नगर का भ्रमण कराकर भक्त हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे की धुन में लीन होकर झूमते रहे। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम, बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ नजर आई और चौक चौराहों पर रथ में सवार भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने लोग आतुर होकर इंतजार करते भी नजर आए और बारी बारी आने पर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम, बहन सुभद्रा व सुदर्शन चक्र मंगाया गया और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी सभी को विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया, जहां नए राम मंदिर से शुरू हुई यह रथ यात्रा हनुमान चौक, सराफा चौक, सुभाष चौक, महावीर चौक, राजघाट चौक, काली पुतली चौक से होते हुए संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंची, जहां पर विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद भगवान जगन्नाथ को 56 भोग, महाआरती, जगन्नाथ कथा के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। रथ यात्रा में महाराष्ट्र के गोंदिया, छिंदवाड़ा, नैनपुर, मंडला सहित बालाघाट की भी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे